हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बर्थडे पार्टी से। सो आज है नव्या का बर्थडे, मींस आदवित की फ्रेंड है एंड मेरी फ्रेंड नेहा, उसकी डॉटर की बर्थडे पार्टी है। सो और कल है करवा चौथ, और करवा चौथ की कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई, मेहंदी नहीं लगी है, नेल्स नॉट डन एंड सिर्फ ड्रेस निकली हुई है, दैट्स इट। सो गाइस, मैं ये कह रही थी मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है, एक्चुअली फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे तो मैं इसलिए चली गई थी। एंड बर्थडे गर्ल के लिए जो हमने गिफ्ट लिया है वो लिया है मैंने एक ब्रीफ केस, लाइक बच्चों की जैसे जो स्मॉल ब्रीफ केस होती है उस टाइप से, इट्स अ ब्रीफ केस, सो एटलीस्ट इट्स यूजफुल गिफ्ट। एंड जाके अभी मुझे मेहंदी लगानी है, नेल्स करना है, काफ़ी सारा काम है। सो आप मेरे साथ इस पूरे व्लॉग में एंड तक प्लीज़ बने रहना। उसके बाद शाम को आके मैंने मेहंदी वगैरह लगाई आफ्टर डिनर एंड ऑल, ताकि मुझे उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेहंदी में। एंड मेहंदी मेरा इस बार मन था कि मैं बिल्कुल सिंपल सोबर एंड बहुत लाइक यू नो प्यारा सा डिज़ाइन लगाऊं इंस्टेड ऑफ पूरा हैंड भर के। सो मैंने आजित को भी बोला, एक हाथ पे तो मैंने खुद लगा ली थी लेफ्ट हैंड पे, एंड राइट हैंड पे आई वाज आस्किंग आदवित कि आदवित शैल यू नो ड्रॉ द मेहंदी, ताकि उसको भी अच्छा लगे, उसको इन्वॉल्व लगे मुझे, क्योंकि सी हमें किसी किसी फैशन शो में तो जाना नहीं है कि हमें मेहंदी का कोई अवार्ड चाहिए, इट्स जस्ट अबाउट द फीलिंग्स कि आपने वो मेहंदी किससे लगवाई है एंड क्या है। तो मैंने इसलिए आदवित से मेहंदी लगवाई, एंड बट आदवित से ढंग से लग नहीं पा रही थी, तो ही वॉज लाइक कि मेरा नाम ख़राब ना हो जाए ढंग से, मैं नहीं लिख पाऊँगा, तो आस्क पापा टू मेक इट। तो बाकी जो रिमेनिंग थी वो अपूर्ण मेहंदी मेरी पूरी करी। देन उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था एंड करवा चौथ का मेन डे था, फटाफट से घर की सफाई वगैरह करी बिकॉज दैट डे वॉज संडे, मेड आते नहीं है संडे को। एंड उसके बाद मैंने फिर पूजा के लिए रेडी होना स्टार्ट करा। मेकअप के नाम पर मैंने कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया था, बिकॉज ऑनेस्टली मैं पूरा दिन रात तक अपनी स्किन पे वो मेकअप नहीं अफोर्ड कर सकती, वो इतना हैवी लगता है मुझे कि बस मैं नहीं लगा सकती। सो मैंने कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ क्रीम मॉइस्चराइज़र लगा के सिंपल ब्लश लगाया, नो कंसीलर्स, नो करेक्टर्स, नो मेकअप, नथिंग। ब्लश भी मैंने कोई पाउडर बेस नहीं लगाया, जस्ट अपना बेसिक सा टिंट लगाया, दैट्स इट। बस फाउंडेशन मेकअप करा एंड हाँ, मैंने आई मेकअप बहुत हैवी करा था, लाइक बहुत हैवी नहीं, इट वॉज गुड हैवी, ताकि फोटोज़ वगैरह में यू नो थोड़ी सी फेस्टिव फीलिंग आनी चाहिए, बट अननेसेसरी स्किन पे फाउंडेशन के लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने फर्स्ट टाइम ना फिंगर्स से मेकअप ट्राई कर रही थी ब्लेंडिंग करना, बट ड्यू टू नेल्स पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज नेल्स की वजह से ना आई वॉज नॉट एबल टू ब्लेंड इट प्रॉपरली। सो मैंने फिर अपना आई मेकअप ब्रश यूज़ करा एंड आई डिड दिस पर्पलिश एंड यू नो पर्पलिश स्मोकी आई, बिकॉज मेरा जो ड्रेस का कलर था that was also wine color types dress थी। and इस बार मेरा मन था कि मैं साड़ी वगैरह ना पहनूँ, because मैंने last time साड़ी wear करी थी, so मैंने इस बार crop top and skirt wear करी है। yes, so आप देख सकते हो मैंने eye makeup थोड़ा सा इसको blending, मैंने फिर बाद में proper mirror के आगे जाकर इसको blending करी थी and eyeliner लगाया and then I applied my favorite thing in the makeup which is a lipper, lipstick लगाई and भर के अच्छे से खूब सारा सा मांग क्या कहते हैं इसको सिंदूर, मांग में सिंदूर लगाया, बिकॉज इट वॉज करवा चौथ और मुझे सेंटर पार्टिंग करके लाइक बन बनाना था, विच इज़ माय सिग्नेचर लुक ऑन करवा चौथ, मतलब मुझे ये सेंटर पार्टिंग करके एंड पीछे जूड़ा, पीछे बन एंड अ प्लेन गजरा लाइक दिस, दिस इज़ माय सिग्नेचर लुक, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ऑन करवा चौथ ये लुक, इट गिव्स यू अ वेरी शीक एंड वेरी फेमिनिन एंड वेरी लाइक यू नो बहुत ही अच्छी सी लुक आती है इसमें। सो ये लगाया एंड अपनी नथ पहनी, बिकॉज ऑब्वियसली नथ, आई लव वेयरिंग नथ। उसके बाद सारी ज्वेलरी पहनी मैंने अपनी, भर भर के जितने मेरे पास डायमंड ज्वेलरी जितनी मैंने सारी ऑलमोस्ट लाइक नॉट सारी बट या बेसिक डायमंड ज्वेलरी मैंने सारी पहनी थी, बिकॉज दिस इज़ द डे फॉर अस गर्ल्स टू शो ऑफ एंड आई वॉज रेडी विद द रेड एंड वाइट बैंगल्स सेट इन माई वन हैंड। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरी करवा चौथ की लुक आपको कैसी लगी है। yes.
सो गाइज़ हम करवा चौथ ऐसे ही करते हैं, मेरी मदर इन लॉ इंडिया से वो ऑनलाइन वीडियो कॉल पे वो वहाँ पर कथा करते हैं एंड हम यहाँ पर उसी वीडियो कॉल से मैं यहाँ पर साथ साथ कथा सुनते जाती हूँ। सो इस तरीके से मैंने कथा करी थी अपनी करवा चौथ की। अब मैं जा रही थी जल चढ़ाने क्योंकि अब ये जल हमें अभी सूरज को देना होता है। सो अभी सूरज को जल चढ़ाते हैं एंड हमारे यहाँ पे जो करवा होता है ना वो ये चांदी का करवा ही यूज़ होता है। जो वो मिट्टी वाले करवे होते हैं ना वो यहाँ यूज़ नहीं होते, वो मम्मी के यहाँ दिल्ली में यूज़ होते हैं बट अम्बाला ये चांदी वाले यूज़ होते हैं। एंड मैंने पहनी अपनी सारी डायमंड ज्वेलरी, डायमंड बैंगल्स या टाइम होता है शो ऑफ करने का, डायमंड नथ, डायमंड इयर रिंग्स, डायमंड मंगलसूत्र एंड डायमंड की रिंग्स। अगर किसी ने इंडिया में ये ब्लॉग डाल दो ना तो इंडिया में तो चोर ये वीडियो देखकर पता लग जाए चोरों को कि इसके पास क्या क्या है। बट होपफुली दिस इज़ सेफ, दिस इज़ दुबई। एंड मेरा आई मेकअप भी मैंने काफ़ी हैवी सा करा हुआ है, ग्लिटरी, बिकॉज पर्पल्स के हिसाब से धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। सब हम यहाँ पर पहले रख देंगे। मेरी ड्रेस फंस गई, ओह गॉड, यही था दिक्कत। अब वो खोलना बेटा, खोलो खोलो, प्रेस करके खोलो। दिखाओ, प्रेस करो इसको यार। हाँ चलो ये लो, मैं एंड आज के व्लॉग का वीडियोग्राफर जो था हमारा वो था आद्वित। आद्वित को मैंने आज के दिन का अपना वीडियोग्राफर बनाया था कि तू मेरी सारी क्लिप शूट करेगा एंड वो हैप्पीली सब कुछ शूट कर रहा था। पूजा इज डन, नाउ द मेन पार्ट, वेटिंग फॉर द मून एंड द फूड पार्ट। फिलहाल पता नहीं, लकीली आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा है। सो मेरा वरना हर बार होता है जैसे कि कहानी सुन के हम चाय वगैरह ले लेते हैं या ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, उसके साथ कुछ फ्रूट ले लिया एंड फिर उसके बाद आपको सीधा रात को ही खाना होता है अलग दे के। सो आज मुझे ऐसा भी ना कुछ लग नहीं रहा है कि लाइक मैं अभी कहानी सुन के कि मुझे चाय पीनी है या पानी पीना है या कुछ भी। सो आई एम नॉट फीलिंग टेकिंग एनी थिंग। ये लुक बहुत अपनी सुंदर लगती है जिसमें मैं नथ लगाती हूँ, एक सेकेंड, बट ये ना एक्चुअली पुश वाली नथ है बिकॉज मेरे नोज़ पियर्सिंग नहीं है। सो ये मैंने आप भी देखो कितनी प्यारा इसका डिज़ाइन है ना नथ का। सो मुझे ना ये बहुत प्यारा लगता है। इस बार ना मैंने मेहंदी भी बिल्कुल लाइक सिंपल सोबर लगाई है। मुझे वो हैवी मेहंदी ना इस बार बिल्कुल भी मन नहीं था उसको कि मतलब पूरा हैवी हैवी हाथ। आई वॉन्टेड समथिंग रियली क्यूट एंड ईजी, नॉट ईजी। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने खुद मेहंदी लगाई थी, लास्ट टू लास्ट टाइम, तो मैंने उस टाइम पर ना पूरी ब्राइड बनाई थी बिकॉज आई कैन मेक गुड मेहंदी डिज़ाइंस। तो मैंने पूरी ब्राइड बनाई थी विद लहंगा एंड ऑल, और फिर वो चांद को अर्घ दे रही है, छन्नी से देख रही है, तो मैंने उस टाइप की थीम खुद से बनाई थी। है दुबई में मेहंदी लगवाई थी वो मैंने एंड बट इस बार मेरा मन था कि मैं बहुत सिंपल सा लगाऊँ। सो मैंने ये बहुत सिंपल सा मेहंदी लगाई, आप देखो, एंड मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा। ये बीच में ना मैंने मेकअप आपने देखा होगा वो क्लीन करा था एंड इस पे मैंने लिखा है सदा सौभाग्यवती भव एंड लाइक या दिस इज़ माय क्यूट लिटिल मेहंदी। एंड ये मेहंदी अपूर्व में लगाई थी इस हैंड पे, तो ये थोड़ी सी रफ हो गई है आद्वित वाली, बट मैं अभी आद्वित का हो ही आएगी ना तो तब तक ये हट जाएगा अगर तब तक, वरना मैं फिर आद्वित के लिए भी बहुत सुंदर सा आद्वित का नेम लिख के हो ही पर 4 दिन बाद वो करूँगी। सो यस, आई होप आपको ये पूजा अच्छी लगी हो। अब वेट करते हैं रात को मून का एंड फिर अर्घ देंगे, पता नहीं कितने बजे निकलेगा क्या होगा एंड आई डोंट नो। और ये पीछे क्या कर रहे हैं बेटे, मेरी ड्रेस गीली हो रही है। चलो ओके देन, आई विल सी यू इन द ब्लॉग अभी आगे एंड प्लीज़ इसको लाइक प्रेस कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
सो गाइज ये क्लिप है हमारी नेबर्स की, उनके यहाँ पर करवा चौथ की कथा हो रही थी, तो मैं अपनी पूजा ख़त्म करने के बाद उनके घर पर गई थी वो वाली पूजा अटेंड करने। एंड दुबई में भी आप देख सकते हो प्रॉपर करवा चौथ माता की सारी तैयारी यहाँ पर हो रखी है। सब लेडीज़ बहुत सुंदर सुंदर रेडी होकर आए हुए थे और सबका जो थाली होती है फिर वो स्टार्ट हुआ जो थाली बढ़ाना होता है। बिकॉज हमें मून को अर्घ देना होता है। सो गाइज मून इज फाइनली आउट, मैं आपको दिखाती हूँ, इट्स लुकिंग सो नाइस। ले बेटे ले, अब ले ले, अब बना दे दूर जाके। सो गाइज सबके यहाँ पर अर्घ देने का सिस्टम अलग होता है। हमारे यहाँ पर अर्घ सिर्फ जो कहानी के चावल होता है जिसे हम कहानी सुनते हैं सिर्फ वो चांद बाबा को चढ़ाए जाते हैं, और जो हमने चुनरी पहनी होती है, चुन्नी या जो भी हमने लिया होता है, बस हम उससे चांद बाबा को देख लेते हैं एंड दैट्स इट। हमारे यहाँ जल से नहीं देते, छन्नी से नहीं देते, जल जो है हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग में सूर्य को दोबारा देते हैं। सो हमारे यहाँ पर ऐसे अर्घ देते हैं। एंड लुक नाउ, इट्स सो ऑरेंज, सो ब्यूटीफुल मून, बहुत ही सुंदर मून आया हुआ है, बहुत सुंदर। दिस मून इज सो लाइट एंड ऑरेंज, सो इट्स लुकिंग सो गुड एंड इट्स शेप इज नाउ स्टार्टिंग फर्स्ट शेप वाज ओवल, फर्स्ट लाइन वाज हियर एंड ओवल वाज हियर, ओके नाउ इट्स शेप चेंज टू सर्कल। थैंक यू। ओके आदवित ने मून को बहुत सुंदर सा एक्सप्लेन करा है। सो ये हूँ मैं एंड मेरा बेबी और अपूर्व आगे चले गए और हम जा रहे हैं फास्ट ओपन करने। सो गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। ओ गॉड, ओके। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा कुछ सामान तो नहीं रह गया, ओके मैं इस बैग में सब सामान अपना रख लाई थी एंड यस, सो दिस इज द मून एंड अब हम जा रहे हैं फाइनली व्रत ओपन करने। And that was the Karva Chauth 2024 vlog. I hope आपको vlog में मज़ा आया हो, आपने vlog enjoy किया हो मेरे साथ। And अगर vlog आपने अच्छा लगा आपको तो please इसको like press कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ next vlog में। Channel को अगर आपने subscribe नहीं किया है अभी तक तो please subscribe का button press कर दो, आपको सारी videos की notification as soon as possible उसी time मिल जाती है, so you will not be missing any vlog। तो मैं आपसे मिलती हूँ next vlog में।